डियर एस्टूडेंट टुडे जे स्टार्टिंग टैली हाउ टू स्टार्ट टैली फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द टैली प्रोग्राम ऑन द डेस्कटॉप एंड डबल क्लिक आफ्टर डबल क्लिक टैली प्रोग्राम लोडेड ऑन द कंप्यूटर लोडेड ऑन द कंप्यूटर एंड डिस्प्ले गेटवे ऑफ टैली इस प्रकार गेटवे ऑफ टैली जब स्क्रीन पर आ जाएगा तो इसमें सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएशन बनाना पड़ेगा क्योंकि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके नाम से एक कंपनी क्रिएशन को तैयार करना पड़ेगा जिस पर हमें सारा अकाउंटिंग का काम करना पड़ेगा इसके लिए हम क्या करते हैं या तो हम अल्ट प्लस एफ थ्री दाबते हैं अल्ट प्लस अल्ट प्लस एफ थ्री दाबते हैं या बटन बार में आकर एक कंपनी इन्फो का आइकॉन होगा जिस पर हम क्लिक करेंगे तो हम कंपनी इन्फो में चले आएंगे आप देख रहे हैं कि कंपनी इन्फो का मीनू आ गया आपके स्क्रीन पर अब इसके में हम यह चुनेंगे कि हमारा कंपनी क्रिएशन कहाँ है तो क्रिएशन कंपनी को के ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे और क्लिक कर कर जैसे ही इंटर कर देंगे तो कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म दिखाई पड़ेगा जिसमें सबसे पहले हम उस कंपनी का नाम लिखेंगे जैसे मान लो टाटा एंड को टी ए टी ए टाटा एंड को तो टाटा एंड को लिख दिए मेलिंग नेम में हम जो है सो शॉर्ट नेम लिख भी सकते हैं या इंटर करके हम आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद लिस्ट ऑफ कंट्री आएगा तो लिस्ट ऑफ कंट्री के सामने चूंकि हमारा कंपनी इंडिया के अंदर ही है इसलिए हम इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उस जगह पर इंडिया लिखा जाएगा उसके बाद स्टेट आएगा तो हमारा कंपनी बिहार के अंदर ही है इस लिस्ट ऑफ स्टेट के अंदर हम बिहार को सेलेक्ट करेंगे बिहार को सेलेक्ट करने के बाद में हमारे उस कॉलम में जो है सो बिहार फिल अप हो जाएगा उसके बाद पिन कोड वह जो कंपनी है वह किस स्थान पर है उसका पिन कोड क्या है मान लीजिए हमारा जो कंपनी का पिन कोड चौरासी बारह जीरो सात है हम उसमें डाल देंगे फिर वहाँ पर टेलीफोन नंबर है मान लें कि हमको उस कंपनी का टेलीफोन उस ऑफिस का देना है तो मान लें कि अस्सी तिरासी अस्सी नब्बे अठहत्तर या में या जो है सो ऑफिस का मान लें कि अब मोबाइल नंबर है और टेलीफोन नंबर है उसके बाद ईमेल आईडी है ईमेल आईडी भी हम डाल देंगे उसके बाद करेंसी सिंबल है करेंसी सिंबल में चूंकि इंडिया में यह कंपनी है और इंडिया का करेंसी सिंपल सिंबल रुपीज है इसलिए हम इसके अंदर रुपीज को डालेंगे और नेक्स्ट इंटर करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे यहाँ टाइप ऑफ कंपनी डिस्प्ले होगा जिसमें से एकाउंटिंग ओनली या अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री को हम सेलेक्ट कर लेंगे तो एक चूँकि हमको दोनों पर काम करना है इसलिए अकाउंटिंग है कि विथ इन्वेंट्री को हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम है क्योंकि कोई भी कंपनी का है ना फाइनेंशियल ईयर एक अप्रैल से शुरू होता है इसलिए एक चार हम 2021 उसमें डाल देंगे या यह जान लीजिए कि यह एक चार उन्नीस जो 21 है उस दिन से नए साल का स्टार्टिंग होता है लेखा जो का जो भी ट्रांजेक्शन होता है वह उसी डेट से स्टार्ट होता है उसके बाद नेक्स्ट में है आपको बिगनिंग फ्रॉम बुक बुक्स बिगनिंग फ्रॉम इसमें वह डेट डालते हैं यहाँ तो दिखा रहा है दोनों बोथ आर सेम लेकिन आप जान लीजिए कि मेरा कंपनी मान लीजिए स्टार्टिंग है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट एक चार से हो रहा है लेकिन मेरा कंपनी मान लो कि अगस्त में शुरू हुआ अगस्त में खुला उसका स्टार्टिंग हुआ है ना अगस्त में वह स्थापित किया गया तो एक अगस्त से ही माना जितने अगस्त से वह स्थापित किया गया उतना अगस्त से बुक के बिगिनिंग फॉर्म में उसका डेट डालेंगे उसके बाद हम आएंगे पासवर्ड पासवर्ड देते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे के बढ़ते हुए बेस करेंसी सिंबल उसका हम रुपीज में है तो रुपीज में ही सिंबल देंगे है कि नहीं फाइने फॉर्मल फौर, नेम है उसमें हम इंडियन रुपीज डाल देंगे जो भी है कंटिन्यू हम जो है सो इंटरप्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट पर आएंगे एक्सेप्ट पर आने के बाद हम यहाँ पर यस की को दाबेंगे यस की को दाबते ही हमारा कंपनी जो है सो इस नाम से सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद में वह कंपनी लिस्ट में ऐड हो जाएगा अब यदि हम देखना चाहते हैं आप देखिएगा जो हम खोले हैं टाटा एंड को को वह लेफ्ट साइड में लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज के नीचे दिखाई पड़ रहा है नेम ऑफ कंपनी के नीचे वह खुला हुआ है हाईलाइटेड है लेकिन उसमें कोई भाउचर इंट्री अभी नहीं है इसलिए वह दिखा रहा है नो भाउचर इंट्री तो यह इसलिए है कि इसमें भाउचर अभी हमने कोई कार्य किया नहीं है यह कंपनी अभी हमने जस्ट नाउ बनाया है इसलिए यह दिखा रहा है अब चाहते हैं कि इस कंपनी को हम दाए साइड से लिस्ट ऑफ सिलेक्शन से हम कंपनी सिलेक्शन से हटा दें तो इसके लिए कंपनी इन्फो में कंपनी इन्फो मीनू है इसमें एक शर्ट कंपनी है जिसका शॉर्टकट एच है, है और एच भी दाब देंगे तो हम इसको शर्ट कंपनी दाबने पर आ जाता है लिस्ट ऑफ कंपनी का लिस्ट आता है इसमें से जिस कंपनी को हमको हटाना है कंपनी का नाम मान लें कि जो है बिपिन है बिपिन का जो है सो हमको यहाँ से हटाना है कंपनी नेम से तो हम क्या कर देंगे इंटर दाब देंगे और इंटर दाबने के बाद में वह जो है सो वह कंपनी सेट हो जाएगा और बिपिन का कंपनी जो है सो वहाँ पर खोलकर लेफ्ट साइड में आ जाएगा अब जान लीजिए इस प्रकार कंपनी क्रिएशन जब हम कर लेंगे तो मेरा कंपनी का यदि मान लें कि फिर कभी हमको अपने कंपनी पर काम करना है तो कंपनी इन्फो में जाकर सेलेक्ट कंपनी को हम क्लिक करेंगे और तो वह सेलेक्ट कंपनी का लिस्ट आ जाएगा जिसमें सभी कंपनी का होगा जिसमें हम अभी अभी हमने बनाया टाटा एंड को वह भी दिखाई पड़ रहा है सबसे नीचे और उसको हम सेलेक्ट करके इंटर की दाब देंगे तो वह टाटा को लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ेगा वह कंपनी मेरा खुल गया जिस पर हम काम करने के लिए अब तैयार हैं तो इस प्रकार हम किसी भी कंपनी को सेलेक्ट कंपनी से ढूंढ कर ला सकते हैं अपने कंपनी को खोल सकते हैं और सर्ट कंपनी द्वारा जो खुला हुआ कंपनी जो दिखाई दे रहा है उसको हम बंद कर सकते हैं और क्रिएट कंपनी से हम न्यू कंपनी का क्रिएशन करते हैं बनाते हैं और यदि हमको कोई अपने कंपनी में लग रहा है कि कहीं हमको टूटी है कई हमारे हमसे मिसिंग हुई है कई हमसे गलतियां हुई है बनाने में किसी कॉलम को हम जो है सो मिसमाइंडिंग कर दिए हैं तो उसको हम क्या करेंगे अल्टर पर जाकर हम अल्टर को क्लिक करेंगे जिसका शॉर्टकट ए है आप जान लीजिए रेड रंग से जो भी लेटर है वह शॉर्टकट का सिंबल बता रहा है तो हम यहाँ पर ये भी दाप देंगे तो वह खुल जाएगा और अल्टर पर भी जाकर हम क्लिक कर देंगे तो वह खुल गया लिस्ट ऑफ कंपनी खुल गया और इस लिस्ट और कंपनी से हम इसमें जिस फाइल में हमको सुधार करना है जिस कंपनी क्रिएशन में सुधार करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे मान लिए कि तीन कंपनी दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर देखिए है ना बिपिन दिखाई पड़ रहा है है ना सपन एंड को दिखाई पड़ रहा है टाटा एंड को दिखाई पड़ रहा है तो टाटा एंड को मान लें कि हम क्लिक कर देंगे तो टाटा एंड को का क्रिएशन हो गया अब इसमें हम जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं जैसे मान लें कि पिन कोड बदलना है या टेलीफोन नंबर बदलना है या और अदर ऑप्शंस जो भी ऑप्शंस को हमको चेंजिंग करना है वहाँ पर जाकर ले जाकर कौरसर को जैसे हमको पिन कोड बदलना है तो पिन कोड पर ले जाएंगे और वहाँ पर दूसरा पिन कोड नंबर कोई भी हम सिक्स अंक के डाल देंगे है कि नहीं और फिर इस प्रकार हम चेंजिंग करते हुए कंटिन्यू इंटर की दबाते हुए हम आएंगे और आते हुए हम यहाँ पर एसेप्ट पर यस पर क्लिक कर देंगे तो मेरा जो मॉडिफाई किया हुआ कंपनी है उसमें हमारा वह सेव हो जाएगा और वह मॉडिफाई होकर हमारे कंपनी के अंदर वह सेट हो जाएगा इस प्रकार हम कंपनी को जो है है कि नहीं मोडिफाई भी कर सकते हैं अब सपोज डैट हम चाहते हैं कि हम अपने कंपनी को मिटा दें हमेशा के लिए मिटा दें अपने टैली लिस्ट से उसको हटा दे कंपनी क्रिएशन को तो उसके लिए फिर हमको बैक होना पड़ेगा एस्केप की से और एस्केप की एस्केप की दाबते हुए हम फिर कंपनी इन्फो में चल जाएंगे और कंपनी इन्फो में आने के बाद में एक अल्टर है जो अभी हम बताए थे है कि नहीं मोडिफाई करने के लिए वहीं से हम अल्ट्रेशन करेंगे और अल्टर करके उसको हम फाइल को खोल लेंगे और यहाँ पर हम शॉर्टकट में अल्ट प्लस डी दाब देंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा डिलेट ऑप्शन आ जाएगा उसमें हम यस yes पर ले जा रहे हैं यस yes पर हम क्लिक कर देंगे और करिए उस जिसमें देगा आर यू स्योर क्या आप मैंने श्योर हैं उसको मिटाने के लिए और यदि आप स्योर हैं तो वहां पर यस yes क्लिक कर देंगे तो वह कंपनी आपका मिट जाएगा अब देखिए अब बैक होइए एस्केप स्केप की से बाइक होइए अब पुनः जो एसो है सो सेलेक्ट कंपनी में जाइए और देखिए वहाँ पर अब टाटा एंड को का जो है सो कंपनी हट गया है और वहाँ से हट कर जो है सो अब हमारे टैली से आउट हो गया है बाहर हो गया है यदि फिर से उसे हमको बनाना होगा तो पूर्वत पूर्वत जो है स्टेप उठाते हुए हमें पुनः उसको बनाना होगा आज का जो वीडियो यहीं तक